बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, भुना हुआ गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है, ये बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये फ़ौरन और बहुत जल्दी बन जाती है। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपने फ़ौरन कोई रेसिपी बनानी हो तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त लिया है मैंने, मीट का, मटन का 1 किलो, और इसको मैंने अच्छी तरह वाश करके ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे इसमें 250 ग्राम। नमक हसबे ज़रूरत 1 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। टमाटर हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम, यानी कि 2 अदद दरमियाने साइज़ के आप ले लीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च कुछ पीस हमें चाहिए होंगे और 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट भी चाहिए होगा। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। अब एक कुकर ले लीजिए और इसके अंदर आपने जो ऑयल हमने लिया था 1/2 कप, इसके अंदर वो ऑयल आपने ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा सारा आपने गरम करना है। मीडियम आंच के ऊपर आंच आप रख लीजिए और इसको हल्का सारा गरम होने, जब ये हल्का सारा गरम हो जाए तो इसके अंदर जो गोश्त हमने लिया था वो आपने ऐड कर देना है और थोड़ा सारा इसको आपने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। हल्का सारा आपने फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ इसको फ्राई करना है। जब इसका इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इस ज़ीरे के साथ आपने गोश्त को भी अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है ताकि गोश्त का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए और जब ये इसकी रंगत थोड़े से चेंज हो जाए, यानी कि वाइट होने के करीब करीब हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर प्याज आपने ऐड कर देने हैं। जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे वो प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि प्याज, सफ़ेद ज़ीरा और उसका, फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का आपने पेस्ट ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट दिया था वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन, अदरक, ज़ीरा और प्याज सारी की खुशबू और ज़ायका एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाए और थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि जितना भी जो मसाले हैं, जो उनका कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और अच्छी तरह भूनने के बाद थोड़ा सारा ये देख लें हमारा मसाला तक भुन गया। फिर इसके अंदर जो टमाटर हमने लिए थे 2 अदद, वो इसके अंदर टमाटर हमने मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, वो टमाटर इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसके साथ भून लेना है। इसके हांडी का सबसे ज़्यादा जायका जो आता है वो जितनी अच्छी आपकी हांडी भुनी होगी उतना ही ज़्यादा इसका जायका आएगा। बस आपने इसको मीडियम आँच के ऊपर रख कर आपने साथ साथ इसको अच्छी तरह भून लेना है। फिर इसके अंदर आपने 2 गिलास पानी ऐड कर देने हैं। ये देख रहे, 2 गिलास पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसको कवर लगा के आपने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसको सीटी लगा देनी है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, अभी आप प्रेशर कुकर का डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी आपकी बन जाती है। ये देख लें हमारा गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और इसमें आपने हल्का सारा बस इसको थोड़ा सा प्याज़ों को आपने मैश करना है, तो ये प्याज हमारे गले हुए हैं और इसी के अंदर ये बिल्कुल घुल जाएंगे। फिर आपने इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करना है, यानी जो पानी हमने जो डाला था उसके अंदर गोश्त हमारा गल चुका है और साथ ही जो प्याज हमारे वो भी गुल चुके हैं, तो अभी आपने इसको थोड़ा सारा बस ड्राई करना है और ड्राई करके तो इसको भूनते जाएं और जैसे जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो साथ साथ इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देख लें काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और थोड़ा सारा ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है।
फिर इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वो हरी मिर्च आपने इसके साथ ऐड कर देनी है, और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। ये देख ले, तकरीबन अच्छी तरह हमारी हांडी भून चुकी है और इसने सारा अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। बस आपकी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके, अगर आपने थोड़ा सा इसको और ड्राई करना है तो थोड़ा सा और भून लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है। अभी आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी जो मैंने आपको बताई है। देख ले कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, बहुत ही क्विक सर्विस रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।